कहनी की गौवे में नौवा लिखवावा अवी पढ़ावा ला। अरे बबुनी के साहर के लागल बहावा अवी पढ़ावा। लग गई हवा, ऐसे ही बोला जाता है हमारे सबके लिए। यहाँ आप तो शहर में पढ़ रही हैं, अब तो शहर की हवा लगेगी, और कुछ ज्यादा पढ़ लिख गई हैं। ये बात लड़कों पे क्यों नहीं होती है? बाबू को हवा नहीं लगती है, सिर्फ बबुनी को लगती है। ये तो नहीं बोलते हैं बबुनी बाबू को मत पढ़ाओ बाहर जाके, बाबू को हवा लग जाएगी। लड़कियों को हमेशा थोपा जाता है भाई बबुनी को हवा लग जाएगी, बबुनी हवा लग जाएगी तो बबुनी आपकी कैसे आजाद नहीं हो जाएगी? बबुनी को तो ऐसे रखना चाहते हैं आप सब। और अभी करंट में बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है वो ज्योति मौर्या, जिन्होंने मतलब एसडीएम बनी थी, एसडीएम बन के किसी के संपर्क में आई और उनसे अफेयर वगैरह चला, तो और उनके पति देव, आदरणीय पति देव ने बहुत ही उजागर किया है उनको। आप सबको सही लगता है क्या ये उजागर करना? काफी औरतें हैं जो आज भी आपके कुकर्म जानते हुए, जानती हैं कि बाहर आपका दसों से चक्कर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप आपके घर को समेटे हुए संभाल के चल रही हैं। लेकिन आज जब एक औरत ने किया, तो आप सबने, सभी औरतों को बल्कि कह दिया कि 136 महिलाएं जो एसडीएम पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उन सबको आपने वापस बुलवा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी बीवी कहीं ज्योति मौर्या ना बन जाए, हमें सूर्यवंशम वाले हीरा ठाकुर नहीं बनना है। ऐसे तो फिर ये होना चाहिए कि जब भी अपने भारत देश में कोई भी रेप करता है, तो सभी भी जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सबको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अब सबकी गलती है। क्योंकि हम एक की सजा अगर हम सबको देते हैं, तो अब सब पे लागू होना चाहिए। जब एक लड़की गलत करती है, एक औरत गलत करती है, तो आपने सबको उसी उसमें तौल दिया ना कि भैया हमारी बीवी कहीं ऐसा बन गई, तो जब एक आदमी कर सकता है, तो आप भी सब कर सकते हैं। फिर तो हम आप सबके साथ सुरक्षित ही नहीं हैं। एक लड़की अपनी फैमिली, परिवार, सब कुछ, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ छोड़ के आती है। हमारी बातों पे मत जाइएगा, हमारी भावनाओं को समझिएगा। को लोग कमेंट करेंगे, हाँ बोलना नहीं आता है, बोल नहीं है, लेकिन बस जो चीजें हमें हर्ट करी रियल में, वही हम आप सबसे साझा कर रहे हैं। तो आती है, सब कुछ छोड़ के आती है। पहले एक लड़की के लाइफ में बाप बहुत अहमियत रखता है कि हाँ हर चीज पापा पे होती है, कि ठीक है पापा करेंगे, पापा करेंगे, माँ करेगी, पापा करेंगे, लेकिन उन सबको 20 साल रह के सबको त्याग के किसके भरोसे आती है? आपके भरोसे। उसे लगता है कि शायद इनसे भी अच्छी, क्योंकि इनके साथ तो मैंने 20 साल गुजारे हैं, पर इनके साथ तो हमें पूरी जिंदगी गुजारनी है। वो आपकी फैमिली को हजार तारीफ, फैमिली आपकी देती है उसे, वो भी प्यार से स्वीकार करती है। आपके बच्चों को भी बहुत प्यार से स्वीकार करती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके घर को सही करती है, आपके मकान को घर बनाती है। और आप अगर थोड़ा सा, अगर उसने अपनी इच्छा का काम कर लिया, अपनी करियर या में या उसको अपने जिसमें भविष्य खुशी के लिए, मिलती है अपने वो उसने काम कर लिया, तो आप उसे किन नामों से पुकारते हैं? चरित्रहीन है, उल्टा है, कुलक्षणी है, और इसको अपने घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये घर बिगाड़ने वाली है। जरा सा अगर अपने उसने अपनी जिंदगी का जी लिया, अगर उसको पढ़ाई करने का शौक है, पढ़ाई कर लिया, या कुछ भी आपकी बिना मर्जी कर लिया, तो मैं ये नहीं कहती हूँ गलत को सपोर्ट नहीं करी कि उसने गलत किया है तो उसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। गलत की जरूर सजा होती है। जो भी कोई गलत करे, चाहे मैं करूँ या आप करें या कोई भी आदमी करे या कोई भी औरत करे, उसको गलत की सजा देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सबको दो। लेकिन आप सब तो सबको उसी तराजू में तौलते हैं। अगर गलती करी भी है ज्योति मौर्या ने, तो उनके पति को क्या ऐसा करना चाहिए था?
कि वो मीडिया के सामने आए कि नहीं हमारी पत्नी ने ना किसी के साथ अफेयर चलाया, और ये देखिए उनके चैट्स देखिए, ऐसा देखिए वैसा देखिए। ये करने से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? पब्लिक की झूठी कुछ मिलेगा सिंपैथी। आपको? अगर आपको हर हाल में अलग ही होना है एक दूसरे से, आपके एक दूसरे से नहीं पट रही, आप अलग हो जाओ। लेकिन ये करने से क्या मिल रहा है, ये करने से आपको क्या मिला कि जो औरतें कुछ करना चाह रही थी, कुछ बनना चाह रही थी, उनके भी आपने रास्ते बंद कर दिए। माना उसने तो गलत किया ही किया है, उसका तो मैं नहीं वो कर रही हूँ, लेकिन आप तो थे ना अच्छे। आपका क्या हुआ कि आपकी बुद्धि कहीं चरने चली गई थी, आपको सिर्फ ये लगा कि हाँ अगर हम उसको ऐसा कहेंगे तो उसकी इज्जत लाट इसने लाट तो होगी। अपने बच्चों के और उन बारे में भी नहीं आदमियों से सोचा। कहना चाहती हूँ जो हम औरतों तो बस को कॉमन बोलते औरतें। हैं कि हमारी पत्नी ज्योति मौर्या ना बन जाए, ऐसे सोच रखेंगे। और जब आपको विश्वास ही नहीं है या कुछ भी नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए ना। क्या है, आप घर पे क्या एक नौकर लेके आए थे जो सिर्फ आपको रोटी थोप थोप के कपड़े धुले धुला पहन के पहनाने के लिए ले आए थे क्या? कि उसको, या फिर ऐसा लाया करो ना खरीद के, हाँ बस सिर्फ रोटी बनाए और आपके यूज में आए और कपड़े वपड़े धुलते रहे, बस मतलब अपना आपका घर का काम करते रहे सारी चीजें, बाकी उसकी कोई जिंदगी, उसकी कोई उम्मीदें, उसका कोई सपने नहीं हो। क्योंकि आप इंसान हो, आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी है, तो वो भी एक इंसान है, उसके भी सपने हैं, उसकी भी जिंदगी है, लेकिन आप लोग उसकी जिंदगी को खिलवाड़ बना देते हैं, एक के चक्कर में सबका ही नाश कर देते हैं। उनका तो कोई दोष नहीं था, जिनको आप सबने बुलवा लिया, वो भी अपने कदम में कुछ ना कुछ करना चाहती थी।